सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर जोकर के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जोकर की एक सोलो मूवी आ रही है, लेकिन अब इसको लेकर एक और बड़ी खबर आई है और वो है जोकर के लीड रोल के लिए। वेल, जहां तक आपको पता है तो इस मूवी में जारेड लूटो जोकर का रोल नहीं करने वाले। तो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर मार्टिन सोर्सी ने सोचा है कि वो जोकर के रोल के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को अप्रोच करे। जी हाँ, वो चाहते है कि ये रोल लियोनार्डो करे। वेल, इसके पहले लियोनार्डो ने उनके साथ 5 फिल्में की है, तो मुझे लगता है कि वो इस फिल्म के लिए मान जाएंगे और मेरे हिसाब से वो जोकर के रोल बिल्कुल परफेक्ट बैठेगे, क्योंकि साइको का रोल करने उन्हें काफी अच्छे से आता है और हम उनका साइको रोल देख चुके हैं शटर आइलैंड और एविएटर जैसी फिल्में। तो मुझे लगता है कि वो मार्टिन को मना नहीं कर पाएंगे इस फिल्म के लिए। और क्या आपको पता है, इसके पहले भी लियोनार्डो ने जोकर का ऑडिशन दिया था। वेल, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि लियोनार्डो ने जोकर के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाए और वो फिल्म थी द डार्क नाइट। जी हाँ, क्रिस्टोफर नोलन की पहली चॉइस लियोनार्डो ही थे, लेकिन कुछ खबर ये है कि नोलन को लियोनार्डो जोकर के रोल में ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जोकर का रोल नहीं दिया और ये रोल चला गया लेजेंडरी एक्टर हीथ लेडर को, जिसके चलते हमें ये पता चला कि वो कितने बेस्ट एक्टर हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन बाय।